जैसे जैसे यूक्रेन में कड़ाके की सर्दी बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे रूस अपनी युद्ध रणनीति को एक नए मुकाम पर पहुंचाने में लगा हुआ है, कुछ वैसा ही जैसा उसने पिछले साल सर्दियों में किया था। जी हाँ, रूसी सेना ने अब यूक्रेन के अवदिवका इलाके पर इतने भयंकर हमले किए हैं जिससे यूक्रेनी सेना के पसीने छूट गए हैं। यूक्रेनी सेना का कहना है कि रूस अवदिवका पर सभी दिशाओं से हमला कर रहा है और ये इलाका रूस के हमलों की तीसरी लहर से जूझ रहा है। दरअसल रूसी सेना के लिए अवदिवका बेहद ही अहम है, क्योंकि पहले तो ये रूसी कब्जे वाले डोनेस्क के पास घिरा हुआ है और इसे डोनेस्क का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि डोनेस्क पर पूरा कंट्रोल करने के लिए अवदिवका को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है, और यही वजह है कि पिछले एक महीने से अवदिवका रूस के भयंकर हमलों का सामना कर रहा है। रूसी सेना इस इलाके पर बेहद ही संगठित तरीके से अटैक कर रही है। अवदिवका यूक्रेन का औद्योगिक गढ़ भी माना जाता है। इसके अलावा अवदिवका रूस के खिलाफ यूक्रेन में विद्रोह का एक प्रतीक भी है। डोनेस्क पर कब्जा करने के बावजूद रूस इस इलाके पर अभी तक कब्जा नहीं कर पाया है। इसको लेकर अवदिवका के प्रमुख वैटली बाराबाश ने कहा कि हमले की तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है। वो सभी दिशाओं, दक्षिण और उत्तर किनारों से हमला कर रहे हैं, जैसा उन्होंने पहले किया था। रूस औद्योगिक इलाके पर हमला कर रहा है। आपको बता दें कि साल 2014 से ही अवदिवका पर रूस की नजर है। अवदिवका डोनेस्क इलाके का हिस्सा है जिस पर रूस का कब्जा है। हालांकि रूस इसे अन्य तीन इलाकों के साथ अपने में मिलाने का दावा करता आया है। वहीं अवदिवका के प्रमुख का कहना है कि रूसी सेना भारी फोर्स के साथ औद्योगिक इलाके पर हमला कर रही है, क्योंकि वहां पर सड़कें अच्छी बनी हुई है जिसकी वजह से रूसी सेना आसानी से वहां घुस पा रही है, और रूसी फौज अवदिवका पर गाइडेड एयर बॉम्ब क्लस्टर बम बरसा रही है। एक दिन में इस इलाके पर 30 से 40 बार हमले हो रहे हैं। यही वजह है कि युद्ध से पहले जहां अवदिवका में करीब 30,000 लोगों की आबादी रहा करती थी, जो अब सिर्फ 1,350 रह गई है, और पिछले हफ्ते ही सेना ने 102 लोगों को यहां से बाहर निकाला था। गौर करने वाली बात यह है कि जब रूस ने 2014 में क्रीमिया को यूक्रेन से हड़प लिया था, तब भी रूसी सेना ने यहां पर आग बरसाई थी, लेकिन रूसी हमलों के बावजूद अवदिवका ने रूस के आगे घुटने नहीं टेके थे।